बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, उनमें हमारी प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम, अप्रोक्सीमेटिंग एल्गोरिथम और हेयुरिस्टिकल एल्गोरिथम शामिल होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम्स क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ द एल्गोरिथम चूजन वैल्यूज आर यूज्ड इन सच अ वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ईच वैल्यू इज नोन एंड कंट्रोल्ड। फॉर एग्जांपल चूजन अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्विक सॉर्ट की बात करते हैं, तो क्विक सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंदर हमारे पास हमेशा जब हम उसको स्टार्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को उसके प्रॉपर पोजीशन पे पर लाने के लिए सॉर्टेड फॉर्म के अंदर, तो हम उसके लिए कोई एक स्टार्ट में जो है पिवट वैल्यू से अपने एल्गोरिथम का स्टार्ट करते हैं। और वो पिवट वैल्यू जो होती है वो आपकी एंड की वैल्यू भी हो सकती है, वो आपकी स्टार्ट की वैल्यू भी हो सकती है। नॉर्मली लिटरेचर में हम एंड वैल्यू पर फोकस करते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अंदर आप रेंडमली कोई भी वैल्यू जो है वो एज अ पिवट वैल्यू अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चूज कर सकते हैं। सो इन दिस केस अगर आप कहते हैं कि आपकी अरे के अंदर 6 एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट के चूज होने के चांसेस कितने हो जाते हैं? 1 by 6, 1 by 6 and 1 by 6। So, आपके पास इस type of algorithms जो होते हैं, इनको हम probabilistic type of algorithms जो है, उसकी category के अंदर count करते हैं। इसके बाद हमारे पास approximating algorithm आ जाते हैं। approximating algorithm वो algorithms होते हैं जिसके अंदर हमारे पास answers जो होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत error हो सकता है, और वो error जो होता है वो हम willingly accept कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारी requirement को किसी हद तक फुलफिल कर रहा होता है। इसके अंदर हमारी अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, तो हमारे पास सबसेट सम प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर फॉल डाउन कर रही होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई गिवन अरे है, तो हमने उसके अंदर से वो सबसेट ऑफ द एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना होता है जो हमारी टारगेट वैल्यू के साथ मैच हो जाए। अगर तो वो टारगेट वैल्यू के साथ एग्जैक्टली मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर टारगेट वैल्यू के क्लोज भी हमें आंसर उस सबसेट ऑफ द अरे एलिमेंट्स के अंदर से मिल जाता है, तो फिर वो हम उसको विलिंग उस एरर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने वो शुरू में ही स्पेसिफाई कर दिया होता है कि हम किस लिमिट तक एरर जो है, चाहे 2 figure, 3 figure, 4 या 8 figure तक हेयुरिस्टिक एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, और ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स होते हैं। और ऐसे एल्गोरिथम्स के अंदर एरर्स जो होता है जब एक दफा शामिल होना शुरू हो जाए, तो फिर उसको कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह हमारी एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर ग्रीडी डिजाइनिंग के एल्गोरिथम्स फॉल डाउन करते हैं, जिस तरह हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को हम कह लें, या हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, या काउंटिंग मनी चेंज प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास वंस हम किसी क्राइटेरिया की बेस के ऊपर, चाहे मिनिमम क्राइटेरिया या मैक्सिमम क्राइटेरिया की बेस के ऊपर सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, और इस केस के अंदर हमारे पास नॉट नेसेसरी कि वो हमारे पास एंड रिजल्ट के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट या ऑप्टिमाइज रिजल्ट दे, हो सकता है उससे बेहतर रिजल्ट भी आ सकते हो। सो इस केस के अंदर हमारे पास एक दफा जब एरर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ऐसा सेट कर दिया होता है, तो हम फिर उसे डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो आपके एल्गोरिथम्स जो होते हैं उसके अंदर हम एरर जो है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाउ लार्ज इट कैन बी। सो दिस टाइप ऑफ द एल्गोरिथम्स जो है वो आपके हेयुरिस्टिक एल्गोरिथम्स कहलाए जाते हैं। यहां तक हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स ऑफ द एल्गोरिथम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और इसके मुतालिक अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर इस डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।